ताजमहल का वो दरवाजा जिसे खोलने से सरकार भी डरती है। काफी दिनों से एक खबर वायरल हो रही है। YouTube में टॉप ट्रेंडिंग में बना एक वीडियो है जहां लिखा है ताजमहल का वो दरवाजा जिसे खोलने से सरकार भी डरती है। इसके खबर के पीछे कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता, लेकिन वायरल वर्ल्ड में ये खबर नंबर वन में बनी हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के उस दरवाजे के बारे में जिसे खोलने से सरकार भी डरती है, जो इस वीडियो में बताया गया है। वीडियो में बताया गया है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू करवाया गया था। आज भी ताजमहल का निर्माण कुशलता का एक बेमिसाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी अधिक कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊपर है उतना ही है धरती के नीचे बनाया गया है। उस समय कोई भी किला बनाया जाता था तो बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था। ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे एक रास्ता भी है जो कहीं दूर बाहर निकलता है, लेकिन उन तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से ही बंद करवाया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन सीटों को ताजमहल के निर्माण के पश्चात बनाया गया, अर्थात इन कमरों को बनाने के पश्चात इन्हें ईंटों से ढक दिया गया। ऐसा हक केवल सरकार के पास ही है। शायद उन दरवाजों के पीछे कोई बड़ा खजाना हो सकता है। पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि उन दरवाजों के पीछे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल कर रख सकते हैं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका कुछ पता नहीं चल पाया है।